गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक आईडी नंबर के साथ फोटो को कैसे चेंज करते हैं वी लुकअप फार्मूला लगा के। वी लुकअप फार्मूला कैसे कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टेड यूज में आता है, देख लीजिए। आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जो कि आईडी नंबर डाल के रखा हम लोगों ने। आईडी नंबर होता है एक नेम, हम लोगों ने जिन लोगों की फोटो हमने लगा रखी है किसी ऑफिस वगैरह में, अगर आप काम करते हैं तो आपको बच्चों की फोटो लगानी होती है, उनके नाम फिट करने होते हैं, पापा के नाम, मम्मी के नाम। तो फिलहाल हम लोग अभी उनके नाम के अनुसार फोटो को चेंज करना सीख रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड का डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो अभी फिलहाल इस टॉपिक पे हम लोग काम करते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे ये आईडी नंबर जो है, ये नंबर कैसे हमारे पास इस नंबर पे अलर्ट किया जाए वो जानना जरूरी है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा किस तरीके से बटन बनाते हैं, पहले बटन कैसे बनाते हैं वो जानिए। तो आपको जाना है डेवलपर टैब के अंदर, आपको एक मिलेगा डेवलपर टैब के अंदर एक इंसर्ट बटन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक स्पिन बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए स्पिन बटन को और बेहतरीन तरीके से आप ऐसे खींच लीजिए। ये देखिए बच्चों, इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे राइट क्लिक करना, आपको मिलेगा फॉर्मेट कंट्रोल, फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आ जाइए। अब आपसे पूछता है कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है आपने दे रखी है 101, तो 101 दे दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या दे रखी है 105, तो 105। और लिंक किसको करना है, जिस सेल को आपको लिंक करना है उस सेल के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए ऐसे। ये देखिए, और यहाँ से आके सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पे आके ठीक है, और यहाँ से इसको जूम कर लीजिए ऐसे ठीक है, और इसको पकड़ के यहाँ सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, अब हमें जरूरत पड़ रही है फार्मूले की, फार्मूला क्या लगाना है हमको वो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नाम कैसे सर्च हो हमारे सिस्टम के अंदर, ये देखिए वैल्यू तो चेंज हो रही है आपकी, अब तो ठीक है, बटन आपकी काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको जरूरत है इस नाम, इस वैल्यू के अनुसार नाम बदलने की, तो कैसे नाम बदलना है हमको, हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एक नाम दे देंगे यहाँ पे लिस्ट का, हम लोग यहाँ पे एक नाम दे दिए जीपी, इसका नाम आ गया। अब हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, मैंने आपको वी लुकअप फार्मूला पढ़ाना चाह रहा था, देखिए वी लुकअप कैसे काम करता, लुकअप वैल्यू कॉमा, जो आपने टेबल का नाम दिया, टेबल का नाम कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर आपसे बच्चों पूछता, तो कॉलम इंडेक्स नंबर, नाम किस नंबर पे, 1 2 2 पे है तो 2 कर दीजिए, एग्जैक्टली हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं, और यहाँ से ब्रैकेट्स को करते हैं क्लोज, और करेंगे यहाँ से एंटर, एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेंटर पे इसको सेट करेंगे ऐसे, सेंटर पे सेट करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड करने के बाद भाषा सेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों का नाम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा सिस्टम से, ये देखिए बदल रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ साइज को हम कर लेंगे छोटा, बच्चों समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद करना क्या है, फोटो का बात आती है, फोटो कैसे चेंज हो, ये सबसे बड़ी बात रखती है मायने। तो यहाँ पे फोटो को हम लोग क्या करते हैं, कैसे यहाँ लाना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप बच्चों कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ कर्सर रखेंगे, हमको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है पेस्ट पिक्चर लिंक, पेस्ट पिक्चर लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक नाम ऐड कर देना है, कोई भी नाम आप XYZ दे दीजिए, यहाँ पे नाम देकर एंटर मार दीजिए, सॉरी यहां से पेस्ट करिए, पहले पेस्ट पिक्चर लिंक करिए, यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। अब बाहर क्लिक करिए, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप एक नाम दे दीजिए फोटो का, कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने नाम यूपी दे दिया और एंटर दे दिया, कर दिया। अब आपको इसी फोटो के ऊपर रखना है कर्सर, अब आपको लगाना है फार्मूला, इसी को मेन टॉपिक पर आप ध्यान देंगे, अब इसी फार्मूले को ध्यान देना है आपको। फार्मूला मेनू के अंदर जाना है, आपको मिलेगा नेम मैनेजर ऑप्शंस, फार्मूला टैब के अंदर नेम मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और अपना यहाँ पे नाम देना है, जो भी आपने नाम दिया यूपी, बस यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल इंडेक्स, यहाँ पे आ जाइए इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली फोटो से ये वाली फोटो को मैच कराना है, तो ये वाली फोटो का रेंज लेना है, कॉमा लगाना है, लिखना मैच
M-A-T-C-H, मैच, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इस वाली लुकअप वैल्यू से कॉमा, इस वाली लुकअप वैल्यू को मिला लेना है, फिर कॉमा लगाना है। एग्जैक्टली बच्चों जीरो का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं दो बार, बस एंटर मार देते हैं और यहां से हम करेंगे क्लोज। तो जैसे हम लोग फोटो को यहाँ देखिए बच्चों बदलते हैं, फोटो ऑटोमेटिक चेंज होती है। जैसे देखिए रीता की है, इशिता की है और ये आपकी रानी की है। देखिए जो जो लोग हम लोगों ने डेटा बनाया है किस तरीके से फोटो हमारी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप इंटरेस्टेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ से कोई भी चीज बनाना है तो अच्छे तरीके से आप फार्मूले को लगाइए और अच्छे से वर्क करिए। और स्क्रीन शॉट लेना तो मेरी, मैं आपको नेम मैनेजर खोल के दिखा देता हूँ। एडिट के अंदर जाइए, यहाँ से एडिट कर के अंदर आइए, आप यहाँ से बच्चों फार्मूला नोट कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये देखिए मैंने इसको नीचे थोड़ा बड़ा कर लिया ऐसे, जिससे आपको परेशानी ना हो। तो ये पूरा फार्मूला है, आपको यहाँ दिख रहा भी होगा, ये फार्मूला आप नोट कर भी कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो पूरे फार्मूले को अच्छे से रटेंगे तभी ये फोटो बदलेगी, नहीं फोटो नहीं बदलेगी। तनिक भी मिसिंग हुआ तो आपका ये डेटा नहीं आएगा। अरे बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।